अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक टू जिंदगी बाय जाफर सज्जाद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत मिजाज ठीक होंगे। मेहंदी हुई कंप्लीट, अब चलते हैं बारात की तरफ और उम्मीद है आपको इंशाल्लाह बारात में मज़ा आने वाला है। जी बारात मेरी बड़ी लंबी गई थी, इतनी भी लंबी नहीं थी, ये पास में तो ज़्यादा था। बड़ी लंबी बड़ी लंबी। आपने एंजॉय की थी अपनी शादी, जो आप अपने दोस्तों को कह रहे एंजॉय करें? नहीं खैर बड़ा एंजॉय की थी, उम्मीद है आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट जी बारात और चलते हैं इस्लामाबाद। लें जी, यहाँ से आपका भाई जो है वो दूल्हे बनने की तैयारी में, ये चेक करें, हेलमेट भी मैंने सर पे रख लिया जी। हेलमेट चेक किया? मैं नहीं देखा था उधर। हेलमेट जी मैंने सर पे बांध लिया कि बाउंसर आएगा बेगम की तरह से, सर मेरा फटने से बज जाए तो अब आगे बैंड बाजे की बारी है। ये जो चाचा है ना जी, इनका जो बैंड बाजों वालों का चाचा था, ये बाबा था। ओए होए, कोई बाबा तो बस तक चाचा था। फुल ऑफ एनर्जी। और ये देखें, ए ए ए हालांकि अभी मेहंदी वाली रात गुजार के चाचा इतना डांस करवा हाँ। रहे हैं 1 बजे और फिर बारात वाले दिन 12 बजे नहीं 3 बजे तक थे। ओ माय गॉड। और फिर बारात वाले दिन, बारात वाले दिन वो पूरे लोग से निकाल के वाह 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 बाबे को एंजॉय करेंगे। और ये जी सेरा बंदी की रस्म हो रही है जी, दुआ शुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है ना इसको खैर खैरियत से। ये की बात क्या है कि हमेशा की तरह देसी फैमिलीज, ब्राउन फैमिलीज की तरह सबके मुंह बने हुए हैं, सबको गुस्सा हो रहा है, जल्दी करो हाँ, लेट हो रहे हैं। तो बाहर बैंड बाजे वाले हैं और अंदर हम लोग दुआएं शुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला खैर से ले जाए, खैर से ले जाए। वैसे महाज तो बहुत बड़ा था, तुम्हें लेके आना, बहुत बड़ा महाज था। लेट्स गो आउटसाइड। देखें अबू जो है वो हेलमेट लेके खड़े हैं कि बच्चे ये पहन के जाएं। ये देख मैं भी नीचे हूँ, बड़ा तेजी से हेलमेट पहनू। पापा जब ने पता किया हेलमेट से बाउंसर लगे हेलमेट ही बाउंसर जाए। यहाँ पर पापा जनाब भी सब के ऊपर वेल देते हुए ओन अपना थूम सुझा के खड़ा है। ओ अच्छा, ओन के ऊपर वेल की ओन हंसने लग गया। तो बस आज आगे चल रहे हैं।
यहाँ पर जी वो देखें बाबा जी है ओ बाबा तो बस तकार था बाबा ये देखें बांधा लगे छोटी बाबे के सर में लग जाती फिर है ना ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो बस तकार। यहाँ पर जी अब अकील भाई लोग सब आ चुके हैं जी, थोड़ा लेट से हो रही थी ईशा की तरह पापा हमेशा अपने पूरे अंदाज में पापा ऑन डांस करते हुए। यहाँ पर गाड़ी की बड़ी टेंशन थी मुझे, गाड़ी आ जाए गाड़ी आ जाए, कासम साहब गाड़ी लेने गए थे, नकी का काज छोटा था, नकी कुर्सी पे चढ़ गया तो यहाँ पर जो है मुझे लेट सवेर की टेंशन थी। हाँ जी हाँ, आपको टेंशन ये थी कि मलिका ने जहाँ फोटोशूट बोला हुआ वहाँ फोटोशूट ना हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर माउंट सर आना था पक्का पीटा डांस कस्सा मल्ला दी कमाल हैवी डांस है बड़ी खैर जिंदगियां जिंदगियां। और ये जी अब हम गाड़ी की तरफ आ गए हैं जी, गाड़ी में बैठने लगे हैं और सबसे ज्यादा फोकस आप मेरी नंबर प्लेट पे गाड़ी की करें। हाँ, that was a very special जी बेगम को नहीं पता था, मैंने कहा था कि देखना कि क्या सीन होता है नंबर प्लेट पे, और अभी तक नंबर प्लेट जो है मेरे ड्रेसिंग टेबल पे संभाल के रखी हुई है ये आगे मेरे ख्याल मेरे बच्चों की गाड़ी पर नंबर प्लेट लगी है ना। खैर हेलमेट मैंने उतार के गाड़ी में रख दिया जी, गाड़ी बताइएगा ये जरा कमेंट्स में ना कैसी सजी थी। आपके भाई की बारात निकल पड़ी है जी, जो आप इस्लामाबाद में मिलेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मुलाकात करते हैं। ओके बाय बाय टाटा। कासम साहब गाड़ी चला रहे हैं जी, इधर देखें इधर देखें, और कासम